देखिए, शुक्रवार की सुबह अजमेर के लिए एक बार फिर बुरी खबर आई है। यहाँ पर अजमेर के जिले के अंदर जो अराई क्षेत्र पड़ता है, अराई जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अराई क्षेत्र के अंदर कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो गई है। और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। 67 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसमें ये कोरोना पॉजिटिव आया है, जो कि मेंटल डिसऑर्डर बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है कि सरकारी आदेश के साथ में, यानी कि स्वीकृति लेकर, सरकार से स्वीकृति लेकर पास बनवा कर ये युवक उज्जैन से अराई आया था, और 9 अप्रैल को उज्जैन से वापस अराई आया था। और अराई आने के बाद में इस बुजुर्ग के अंदर किसी प्रकार के कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए एहतियातन तौर पर, क्योंकि एमपी के अंदर कोरोना की जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए एहतियातन तौर पर जो मेडिकल की टीम है, उन्होंने इनके सैंपल लिए, नमूने लिए, तो उसके बाद उसकी जांच की गई थी। और जांच के अंदर आज शुक्रवार सुबह उनकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आ गई है। मेंटल डिसऑर्डर का शिकार बुजुर्ग को बताया जा रहा है। और जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई है, तो उसके बाद अराई का जो इनके जो घर के आसपास का 1 किलोमीटर का जो रेडियस का जो दायरा है, उस तमाम इलाके के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है, जो सबको समझना बहुत जरूरी है, कि कोरोना के, जैसे कि हमने देखा कि जो शनिवार को सुबह अजमेर में खानाबदोश, माफ कीजिएगा, जो गुरुवार सुबह जो रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव खानाबदोश की, उसके भी लक्षण इस तरीके से नहीं दिखाई दिए थे, बहुत लंबे समय बाद दिखाई दिए थे। और जो आज शुक्रवार सुबह अराई क्षेत्र से जो रिपोर्ट आई है, जो कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग मरीज है, इसमें भी किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात इस समय बने हुए हैं मेडिकल टीम के लिए भी और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। मौसम इस तरीके का है कि इस मौसम में जुकाम और खांसी और बुखार जैसी जो बीमारी है वो बहुत लोगों को हो सकती है, और ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग लगातार प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि मेडिकल की जो टीम है, जो चिकित्सा विभाग की टीम है, वो लगातार स्क्रीनिंग 2 बार कर चुकी है जिले की, लेकिन फिर भी कई लोगों में अब बहुत मुश्किल चुनौतीपूर्ण काम है, कोरोना के सिस्टम नजर नहीं आ रहे। जैसा कि ये जो बुजुर्ग मरीज है, इनके अंदर कोरोना के अभी तक किसी प्रकार के सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन एहतियातन तौर पर इनकी जांच की गई है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, और कोरोना महामारी के दौरान ये भी एक नई रिसर्च के तौर पर देखा जा रहा है कि आखिरकार कोरोना के सिम्टम्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इतना लंबा समय कोरोना क्यों ले रहा है, क्यों इतनी देरी से किसी में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और खासकर जिन लोगों में लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को कैसे उन लोगों की स्क्रीनिंग कैसे की जा सकती है, उन लोगों को कैसे पकड़ा जा सकता है, उन लोगों की टेस्टिंग कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है, और हो सकता है कई लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं आए हो, लेकिन फिर भी अगर जांच की जाए तो उस कोरोना पॉजिटिव उनमें हो सकता है। तो ये एक मेडिकल की टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कोरोना की स्थिरता नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो इस बात को किस तरीके से देखा जाए, और इसको लेकर क्या अगली रणनीति बनाई जाए। तो इसको लेकर कुछ खास रणनीति की बहुत जरूरत है, और सरकार अपने स्तर पर एक रणनीति तैयार करे, और उस रणनीति के आधार पर प्रदेश के तमाम लोगों की टेस्टिंग का इंतजाम सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि टेस्टिंग के अलावा दूसरा कोई विकल्प उपचार कोरोना संक्रमण को और जो संक्रमित व्यक्ति है उसको पकड़ने का फिलहाल नजर नहीं आता है। क्योंकि जब लक्षण ही नजर नहीं आएंगे, तो फिर कैसे ये माना जा सकता है कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। इसलिए टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि अराई के जो 67 वर्षीय बुजुर्ग मरीज हैं, इनमें जिस तरीके के लक्षण है, किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, तो ये एक मेडिकल की टीम के लिए, चिकित्सा विभाग के लिए बहुत चिंता की बात है।